आज मैंने सारे दिन दफ्तर में किसी से बात नहीं की। सुबह से शाम तक कुछ तस्वीरें सी दिमाग में गड़मड़ होकर घूमती रही। कभी पुष्पा पिंगले का चेहरा नजर आ जाता तो कभी मेरी माँ का, और कभी वो एमएलए साहब की बेटी सोनिया का। जब मेरा सिर ज्यादा चकराने लगा, दिमाग फटने लगा, तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही मेरे दिमाग में एक शोर सा उठने लगा, वैसा शोर जैसे कि कोई बाढ़ सी आ गई हो। वही बाढ़ जिसमें मेरे बापू की नाव डूब गई थी, वो बाढ़ जिसने मेरी माँ की कलाइयों से लाल हरी चूड़ियां हटाकर काले धागे बंधवा दिए थे। मैंने घबरा कर आंखें खोली। चार बजे मैं दफ्तर से निकलकर सीधा घर आ गया और घर आकर लेट गया। जब रात के 12-1 बजे तक तो मैं सीलन से भरी दीवार को देखता रहा। मेरा रूम पार्टनर मोरे रात 1 बजे घर आया और आकर चिल्लाने लगा, क्या है बे, ये लाइट बंद कर बे। क्या रात में हेमा मालिनी मिलने आएगी तुझसे लाइट में? मैंने बोला, नहीं मोरे, वैसी बात नहीं है यार, आजकल मुझे पता नहीं क्यों अंधेरे में बहुत डर सा लगने लगता है। बोला, डर लगता है तो अपनी अम्मा को बुला ले यहां पे। जो इतना तेज गुस्सा आया, मेरा मन तो किया कि उसके दांत तोड़ दूं। मुझे और डर लगने लगा। ऐसा लगा जैसे मेरे साथ कोई बिस्तर पे मेरे लेटा हो। कभी लगता मेरी मां है, कभी लगता मेरा कुत्ता गोका, और कभी लगता कि सफेद कफन में लिपटी हुई मेरी बहन शकुंतला की लाश। मुझे कुछ आवाजें भी सुनाई देने लगी, बैन करती हुई मेरी अम्मा की आवाज, अरे कहाँ गए रे वो लल्ले रे, अपनी अम्मा को छोड़ के तुम कहाँ गए रे वो लल्ले रे वो प्यारे। मुझे पता ही नहीं चला।